कई रीते पेट्रोल डीजल का जो बोझ आप लोग पर ही पड़ा है श्रम पर, और आगे भी पड़ते रहेगा। कितना रेट अभी है साइकिल का? मान के चलिए ना, मिनिमम कोई भी साइकिल लेते हैं 4500 से कम की नहीं। बच्चे की साइकिल 3500 से 4000। ये दो साल पहले कितनी की थी? इस साल पहले कितनी की? मान के चलिए साल भर पहले यही साइकिल 500 से 700 से 800 सस्ती, जैसे पैंची साइकिल 1000 रुपया पे सस्ती थी, गियर वाली साइकिल 1500 रुपये सस्ती थी आज से दो साल पहले। IVTV देखता है इंडिया। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के तमाम तरह के जो हैं बातें और कयास जो है बाजारों में लगाए जा रहा है, और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों के बाद कहीं न कहीं अब ट्रांसपोर्टेशन का जो दर है वो तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। चाहे वो हम हरी साग सब्जी की बात करें, चाहे उपयोग की जो वस्तुएँ होती हैं हमारी, जो हम दैनिक उपयोग में सामान का यूज करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे फूडिंग की चीज़ें हो, उनकी भी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। और ऐसे में जो खबरें पटना में सबके सामने आ रही है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ऑटो या फिर अपने गाड़ी से जाना आना पसंद करते थे, अब वो लोग कहीं ना कहीं साइकिल की तरफ रुझान उनका बढ़ते जा रहा है। लेकिन साइकिल के जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो साइकिल के जो दुकान करने वाले लोग हैं, उनका कहना है जो लोग तो हमारे तरफ आते हैं लेकिन जो कीमतें पहले हुआ करती थी उस कीमतों में भी अब भारी उछाल हो गई है ड्यू टू पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि होने के कारण। हमारे साथ जो है शख्स है जो साइकिल दुकानदार हैं, हम उनसे आपकी बातें कराएंगे। फिलहाल हम राजधानी पटना के साइकिल स्टोर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो लोग जो है साइकिल लेने के लिए आए हुए हैं, साइकिल जो है पसंद कर रहे हैं, और साइकिल की जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं, साइकिल का बाज़ार जो है वो हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपको उनसे बात कराना ज़रूरी है, जो बातें निकल कर सामने आ रही है जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों को लेकर के पटनावासी जो है साइकिल तरफ कुछ कर रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं, क्योंकि जो गरीब आदमी है उनके बोझ पे उनके जेब पर कहीं ना कहीं जो है अत्यधिक असर देखने को मिलता है, क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं उपभोग की वस्तुएं तो महंगी हो ही गई हैं, और साधन और संसाधन की बातें करें तो उसकी भी जो किराया है वो भी बढ़ोतरी हो गई है। वो आपका? मेरा नाम वो भैया सतपाल सिंह। सतपाल जी, कितने दुकान है आपकी साइकिल की? हमारी दुकान है भैया ये वाली 1957 में, 1957 से ये दुकान हमारी, हमारे ग्रैंड फादर के समय से दुकान चल रही है जी। फिर बाबू जी ने चला, अच्छा, आगे हम चला। अच्छा, रहे हैं। सतपाल जी ये बताइए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से बेहतर सा वृद्धि देखने को मिल रही है, तमाम उपभोगी वस्तुएं जो वो महंगी हो रही हैं, क्या जो गरीब तबके के लोग हैं जो ऑटो से प्रेफर करते थे या अपनी बाइक से, कहीं ना कहीं साइकिल की जो वृद्धि है वो सच में राजधानी में बढ़ोतरी थोड़ी बहुत भी हुई है? सर थोड़ा बहुत तो जरूर पड़ता ही है, ऐसा बात नहीं है कि जो साइकिल पहले बिकती थी साइकिल आगे बिकती है और साइकिल आगे भी बिकेगी, साइकिल बिकनी कभी बंद नहीं होगी, चाहे आपका पेट्रोल डीजल का रेट 1000 रुपये लीटर क्यों नहीं हो जाए, वो जिसने साइकिल चलानी उसने साइकिल ही चलानी है। लेकिन लेकिन इसके लिए भी बढ़िया है, लेकिन लेकिन क्या बढ़ोतरी हुई है? आप एक दुकानदार के अनुसार क्या कहेंगे? बढ़ोतरी हुई है, मान लीजिए 2% 3%, उस हिसाब से रेट की भी बढ़ोतरी बहुत हो रही है ना। हर आदमी रेट को भी लेके बहुत इच्छुक है, भाई 2 महीने में 3 महीने में 300 रुपये साइकिल कहाँ से बढ़ गए? जो हम लोग का 50 रुपये एक बार रेट बढ़ता तो पूरे साल रेट नहीं बढ़ता था, इधर 2 महीनों में 300 रुपये साइकिल के दर। मतलब आपका कहना है कि मतलब सतपाल जी यही हुआ ना, जो मतलब अगर लोग हमारे तरफ भी आते हैं हाँ। तो हमारा भी दाम कुछ कम नहीं है, बस वही बात तो फिर है। लोग सोचने मजबूर हो जाते हैं हाँ, तो फिर बोलते ठीक है पसंद करके जाते हैं, फिर कल परसों आके लेते हैं, अच्छा प्लानिंग करते हैं, फिर अफोर्ड करके तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का जो बोझ आप लोग पर ही पड़ा है श्रम पर, और आगे भी पड़ते रहे। कितना रेट अभी है साइकिल का? मान के चलिए ना, मिनिमम कोई भी साइकिल लेते हैं 4500 से कम की नहीं। बच्चे की साइकिल 3500 से 4000। ये दो साल पहले कितनी की थी? इस साल पहले कितनी की? मान के चलिए साल भर पहले यही साइकिल 500 से 700 रुपये सस्ती थी, 800 रुपये सस्ती थी, जैसे पैंची साइकिल 1000 रुपये सस्ती थी, गियर वाली साइकिल 1500 रुपये सस्ती थी आज से दो साल पहले। जो बैटरी वाली साइकिल की भी आपने बात की कीमत क्या है अभी? ये भी उस समय हमने जब बेचनी शुरू की थी आज से 3 साल पहले तो 25-26 हज़ार 27 हज़ार की बेचे, आज वो साइकिल 32 हज़ार की बिक्री, 32.5 हज़ार की। तो लोग अभी नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं सस्पेंस में पड़ जाते हैं? बिल्कुल पड़ जाते हैं भाई, 5 साल पहले 2 साल पहले ये दाम था, आज तक दाम कैसे पड़ गए, कंपनी ने भी 3000-4000 रुपये प्रति साइकिल। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आप लोग भी असर पड़ा है भैया? सबको असर पड़ेगा, बिजनेस में ना वो भी ट्रांसपोर्टेशन, आखिर जो माल हमारा लुधियाना से आता है ट्रक से ही आना है, जब डीजल महंगा होगा पेट्रोल महंगा होगा तो हमारी कॉस्टिंग भी महंगी होगी। अभी हम आपने आपको हम सतपाल जी थे जो उनका साइकिल दुकान था वहाँ पे हमने आप बात कराई, हमारे साथ तेजिंदर जी, कितने से दुकान है आपका ये? हाँ कितने दिन से है? 60 साल से है। क्या तेजिंदर जी ये बात स्वीकार करते हैं क्या, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि होने के बाद जो है साइकिल की कीमतों में या फिर साइकिल की बिक्री में वो इजाफा हुआ है, लोग आते हैं साइकिल लेने के लिए? बिल्कुल इजाफा हुआ है।
मतलब ड्यू टू पेट्रोल डीजल इसको मान सक सकते हैं। अच्छा, अब साइकिल की जो कीमतें होती है, साइकिल की जो कीमतें होती है, क्या आप लोग का भी उससे महंगी हुई है जो रेट था पहले? और जैसे पेट्रोल बढ़ रहे थे, आप लोग का रेट महंगा हुआ है? अच्छा, अगर एक साल पहले की बात करें तो लोग क्या अभी जितना बीज बेच रहे हैं उतना ही खरीदते थे, या डीजल पेट्रोल की जाम में जब जब वृद्धि होती है तो लोग आ जाते हैं लेने के लिए, ऐसा भी होता है? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है, कुछ दिनों के लिए पड़ता है। आते ही लोग बच्चों लोग की साइकिल डीजल टैंक की साइकिल अच्छी दिखती है। तो सीधे तौर पर जो हमने बातें करवाई आपको, तेजिंदर जी थे, सतपाल जी थे, बाकी जो भी लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने बात किया, तो लोगों का भी कहना यही है जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है, लोग कहीं ना कहीं जो गरीब तबका के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो ट्रांसपोर्ट के बजाय कहीं ना कहीं साइकिल लेना अब अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं साइकिल लेकर के। लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं कठिनाई और समस्याएं हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल में वृद्धि होने के बाद जो इलेक्ट्रिक की साइकिलें हैं या फिर जो आम जनजीवन में जो साइकिलें उपयोग होती है उसकी भी कीमतों में वृद्धि हो गई है, तो इससे ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद पटना में साइकिल का बाज़ार में बढ़ोतरी जरूर हुई है, हम नहीं जो साइकिल दुकानदार हैं उनका कहना है। बाकी आप ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे आईवी टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तब लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।